नमस्ते दोस्तों, मैं डाइटिशियन मीनाक्षी शर्मा एक बार फिर आपके साथ पोषण अभियान सप्ताह में। मैंने आपको पहले पोषण के बारे में बात करी थी, क्या होता है पोषण, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों में आपको कौन कौन से भोजन में आहार में सम्मिलित करना चाहिए। आज हम बात करेंगे गुड न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन, सुपोषण एंड कुपोषण क्या होता है। जो गुड न्यूट्रिशंस होता है वो एक पॉजिटिव देता है, पॉजिटिव एनर्जी आपको देता है, जैसे कि काम करने में उत्साह, शारीरिक मानसिक वृद्धि, उत्सुकता, आपको किसी चीज़ में काम करना लगन के साथ, ये सब सुपोषण के अंदर आते हैं गुड न्यूट्रिशन। जब हम हमारे शरीर में अच्छे पोषक तत्व को शामिल करते हैं सब, तब ये सब चीज़ें हमें दिखती है। जैसे हम कुछ कार्य को बहुत आसानी से, अच्छे से, शारीरिक रूप से कर सकते हैं, मानसिक रूप से होता है हमारा, उस चीज़ में दिमाग लगता है, हमारा तेज दिमाग दौड़ता है, हम उस चीज़ में रुचि, इंटरेस्ट दिखाते हैं, उत्सुकता दिखाते हैं, एक हमारे शरीर के अंदर चमक होती है, वो सब एक सुपोषण के अंदर एक अच्छे आहार में, एक संतुलित आहार में शामिल होते हैं। इसके विपरीत कुपोषण क्या होता है, जो होता है जबकि हमें पूर्ण रूप से पोषक तत्व हमारे खाने में नहीं मिल पा रहे हैं। हम खाना तो खाते हैं, पेट भर के भोजन भी करते हैं, मगर क्या होता है हमारे शरीर में आलस, किसी भी कार्य को करने में अरुचि होना, उत्साह नहीं होना, शारीरिक विकास नहीं होना, मानसिक विकास नहीं होना, ये सब कुपोषण का शिकार होता है। लोग कहते हैं कि नहीं, हम खाना तो अच्छे से खा रहे हैं, पूरा पेट भर के भोजन लेते हैं, हम सुबह भी इतना खाते हैं, शाम को भी इतना खाते हैं, तो फिर हम कुपोषण कैसे हैं। एक पेट भरना और आप सुबह का खाना खाना, शाम का खाना खाना, वो एक संतुलित आहार नहीं होता है। संतुलित आहार जो होता है, आप जो थाली ले रहे हैं उसमें क्या क्या पोषक तत्व विराजमान हैं, क्या क्या हम न्यूट्रिशंस चीज़ें उसमें डाल रहे हैं, उन वो चीज़ महत्वपूर्ण होती है, न कि आप पूरी थाली भर के खाना खा रहे हैं। जैसे कि आपने 5 रोटी खा ली, उसमें आपने थोड़ी सी तीसरी एक कटोरी सब्जी ली और 5 रोटी खाई, वो पूर्ण पोषक तत्व नहीं होता है। उससे आपके शरीर में आलस आएगी, नींद ही नींद आएगा, रुचि नहीं रहेगी किसी कार्य में, कोई उत्साह नहीं रहेगा, ये सब कुपोषण का शिकार होता है। हम चलिए अब हम एक संतुलित आहार की परिभाषा जानते हैं। संतुलित आहार की परिभाषा क्या होती है। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट फिजिकली, मेंटल एंड सोशल बीइंग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। इसका अर्थ ये होता है कि स्वास्थ्य जो स्वास्थ्य वह स्थिति हो, स्वास्थ्य वह स्थिति होती है होती है जिसमें न केवल बीमारियों की ही अनुपस्थिति हो, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुशलता भी होती है। ये हमारे स्वास्थ्य की परिभाषा होती है। और सुपोषण का अर्थ क्या होता है, उचित पोषण भी इसे कहा जाता है। सुपोषण मतलब उचित पोषण, इसे हम कह सकते हैं। पोषण की वह स्थिति जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से हमें मिले, सुपोषण जिसे उचित रूप से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से वो व्यक्ति कार्य करे, शरीर की क्रियाशीलता मतलब किसी कार्य में रुचि दिखाए, वो हमारा सुपोषण होता है, उसे हम गुड न्यूट्रिशन कहते हैं। अब बात करते हैं कुपोषण की।
कुपोषण इस एजुकेशनल प्लानिंग ग्रुप के अनुसार हम कुपोषण को बोल सकते हैं माल न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज ए पैथोलॉजिकल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम ए रिलेटिव और एब्सोल्यूट डिफिशिएंसी ऑफ एक्सेस ऑफ वन और मोर एक्सटर्नल न्यूट्रिशन विच कैन मैनिफेस्ट इनटू अवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन और इन बैलेंस। इसका कारण ये होता है पोषण की वह स्थिति जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है, यह एक या एक से अधिक पोषण की तत्व की कमी अधिकता या असंतुलन के कारण होती है जिसके कारण शरीर रोग ग्रस्त हो जाता है, उसे हम कुपोषण कहते हैं। कुपोषण के अतिपोषण कुपोषण दो स्थितियां होती हैं, अति और अल्प। हमने सुपोषण, गुड न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन कुपोषण की दोनों की मैंने आपको स्थिति बताई है। अब बात करते हैं मेन सुपोषण वापस इग्नोरेंस पोल्यूशन गरीबी पॉवर्टी। अब हम कुपोषण के कारण जाते हैं, कुपोषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला होता है गरीबी, अज्ञानता, अननॉलेज होना, है ना। जनसंख्या में वृद्धि, व्यक्ति गरीब होता है तो वो दिन भर का पेट भी नहीं भर पाता है ना, एक रोटी तक भी उनको नहीं मिल पाती है। अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए वो दिन रात मेहनत करता है फिर भी वो एक रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाता। अज्ञानता, आप पढ़े लिखे हैं बट आपको अज्ञान है कि आपको कौन सी आहार में पोषक तत्व लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। जैसे कि अज्ञानता का मतलब आजकल फास्ट फूड का चलन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब लोग आप जानते हैं फल फ्रूट्स या सलाद हमारे शरीर के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि वो हमारे को स्वस्थ और मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं, फिर भी हम फास्ट फूड की तरफ दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें स्वाद है, उसमें टेस्ट है, इसलिए। तो आधा कुपोषण हमारे इन फास्ट फूड से, अनहेल्दी खाना खाने से आता है। एक, जनसंख्या वृद्धि। पहले भारत देश में खेतों की संख्या बहुत ज़्यादा थी बट जनसंख्या जैसे वृद्धि कर रही है वैसे वैसे खेत कम होते जा रहे हैं, उन पे मकान बनते जा रहे हैं और जो अनाज की खेती होती थी उनकी मात्रा कम होती जा रही है। तो हमें दूसरे देशों से खाद्य पदार्थ मंगा रहे हैं जो कि बहुत हमें कॉस्टली पड़ते हैं, महंगे पड़ते हैं, इस वजह से हम कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। फोर्थ है शिक्षा का अभाव। हमें ये नहीं पता होता है किन किन चीज़ों में पौष्टिक तत्व होते हैं, पौष्टिक तत्व किन किन चीज़ों से मिलेंगे, इन सब की कमी से भी हम कुपोषण का शिकार होते हैं। एक संसाधन की कमी, भंडार की कमी कि जब हम स्टोरेज हम कहाँ कर सकते हैं, किन चीज़ों में होते हैं, जो भी सारा माल होता है वो विदेशों में खाने के लिए चला जाता है, जो कि यहाँ के लोग हैं वो पूर्ण रूप से उस भोजन को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। विवरण में भोज्य पदार्थों में मिलावट, आजकल हर चीज़ में मिलावट देखने को मिलती है। आप फल फ्रूट से लेको, फल सब्जियों से लेको, हर चीज़ में दवाइयाँ होती है। तो हम किस चीज़ को संतुष्ट रहते खाएँ, एक वो भी कारण हमारा कुपोषण का होता है। भ्रांतियाँ होती है बहुत सारी, ये खाने से ये हो जाएगा, वो खाने से ये हो जाएगा, धर्म हमारा बीच में आ जाता है। किसी धर्म में आलू लहसुन प्याज नहीं खाते जो कि शरीर को महत्वपूर्ण होते हैं।
होते हैं, तो वो सारे कुपोषण के कारण हैं जो कि हमें कुपोषित बनाते हैं। सब चीज़ें सम्मिलित होती है, हम इसी बात पर में बात करते हैं, पोषण का आहार नहीं होता है, परिवार का आकार बढ़ना, जनसंख्या में वृद्धि, हमारे परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, तो जो महिलाएं होती है, गर्भवती महिलाएं होती है, दात्री महिलाएं होती है, वो दो टाइम खाना खा के रह जाती है, तो उनके होने वाले बच्चे जो होते हैं वो कुपोषण का शिकार होते हैं। परिवार में संख्या होती है तो एक सब्जी कम, एक क्वांटिटी होती है जो कि मात्रा मिलती है, आपको दूध नहीं पी सकते, सबके लिए चाय बनेगी, कुछ बहुत से कारण होते हैं परिवार में रहने के। जब परिवार बड़ा होता है तो ज़्यादातर महिलाएं हैं उस परिवार में सोचती कि हमारे पति हैं या हमारे बच्चे हैं वो सब ले लें और हम जो बचा हुआ खाना है या अगले दिन का खाना बचा हुआ है वो हम खा लें, तो उनके होने वाले बच्चे और वो खुद भी कुपोषण का शिकार होती है, पसंद नापसंद। जब परिवार में 5 सदस्य होते हैं तो सबकी पसंद अलग अलग होती है, नापसंद होती है, एक को ये नहीं पसंद खाना, दूसरे को नहीं खाना, ये सब चीज़ें भी बहुत हमारे कुपोषण का शिकार हो सकती है। कुपोषण का शिकार होने में ये सारी बातें हमें विचलित कर दी, नापसंद। कई पसंद, कई बच्चे होते हैं जो हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाते हैं, उन्हें दालें पसंद नहीं होती, कुछ गर्भवती माताएं होती हैं जो दूध दही चावल ये नहीं खाती, या कुछ उनके घर में भ्रांतियाँ होती है, दही खाओगे तो ये हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें हमारी पसंद नापसंद पे डिपेंड करती है जो कि कुपोषण का एक कारण, बड़ा कारण है। एक सबसे महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि हमारे शरीर में जो एब्जॉर्प्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, अब्सॉर्प्शन होता है, डाइजेशन प्रॉब्लम होती है, वो एक सबसे बड़ा कारण होता है। हम संतुलित आहार तो खा रहे हैं बट हमारा शरीर उस क्रिया को पचा नहीं पा रहा है, अवशोषित नहीं कर पा रहा है, तो उससे कहीं बीमारियां हो जाती है और पूर्ण रूप से वो संतुलित आहार नहीं था, जैसे बुखार होना, मिर्गी होना, हृदय रोग होना, बहुत सारी बीमारियाँ होती है। जब हमारा शरीर किसी चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाता तो बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियाँ होती है और इस कारण वो कुपोषित हो जाता है। कुपोषण होने के साथ साथ उसको बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती है, हृदय रोग होना या लीवर की प्रॉब्लम होना, किडनी की प्रॉब्लम्स होना, आपने देखी होगी आजकल डायबिटीज़ भी बहुत हो रही है, तो कई रोग हो जाते हैं जैसे प्रोटीन की कमी होना, विटामिन की डेफिशिएंसी होना, सारे विटामिन की डेफिनेशन किसी की अधिक, हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा दिखता, जब हम कार्बोहाइड्रेट कुछ अधिक मात्रा में लेने लग जाते हैं तो उसकी कमी भी हमारे कुपोषण में देखने को मिलती है। विटामिन डी, विटामिन ए की कमी होना, विटामिन B12 की कमी होना, खनिज लवण्स मिनरल्स की, आपकी मिनरल्स के कारण डिजीज़ हो जाती है आपको, कैल्शियम की कमी या पोटेशियम की अधिकता, ये सब एक महान्यूट्रिशंस के कारण ये आपके रोग उत्पन्न भी करती है। इसके रोग कुपोषण की रोकथाम के लिए भारत सरकार ने अनेक कार्यक्रम चलाए हैं जो कि कुपोषण को रोकने में भी मदद कर रहा है। अनेक कार्यक्रम अब चालू हो गए हैं, आप आंगनबाड़ी में, सरकारी स्कूलों में, आप सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देख सकते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, पी पोलियो की खुराकें पिलाई जाती है, वो इसीलिए कि कुपोषण को हम जड़ से ख़त्म कर सकें। इसलिए आपको मैं यही कहना चाहूँगी, आप अपनी डाइट में, अपने आहार में संतुलित पोषक तत्व शामिल करें जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत
लाभकारी हो, एक अपनी दैनिक दैनिक क्रियाओं में जो लाइफ स्टाइल है उसे चेंज करें, एक्सरसाइज करें, एक संतुलित आहार ले, समय पर उठे, समय पर सोएं, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं।